डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, क्या आप रमेश जी की राय से सहमत हैं? जी शुक्रिया आशुतोष जी। मेरा मेरा मानना ये है कि उर्मिलेश जी की बातों से सहमत होते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ा देता हूं कि सवाल वही है, अहम सवाल ये है कि ये नैरेटिव बनाता कौन है कि एक एक जाति के लोग नाराज हैं। पहली टिप्पणी तो मेरी ये कि ये वे लोग बना रहे हैं जो कहीं और बौद्धिक विमर्श में इस ग्राउंड पर खड़े होकर बोलते हैं कि जब दलित पिछड़े आदिवासी जातिगत आधार पर भेदभाव की बात उठाते हैं तो वो कहते हैं जातिवाद कर रहे हैं, और जो एक खास जाति ही नाराज है इसका विमर्श पूरे देश में ऐसे फैलाया जा रहा है और उसी जाति के लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। तो एक तो ये बात कि जाति के नाम पर कैसे राजनीति की जा रही है। दूसरी बात ये कि वो नैरेटिव सेट करने वाले लोग कौन है, और उमेश जी की बात से मैं यहाँ तो बिल्कुल सहमत हूँ इस सवाल पर कि भाई कौन से पैमाने थे। अगर वो पैमाने हैं तो उस पैमाने में नाराज होने की वजह क्या है? चलिए आपके क्या मेरा मेरा सवाल है आशुतोष जी आपके चैनल के जरिए कि क्या ब्राह्मण तबके में सार्वभौमिक तौर पर या शाश्वत तौर पर परशुराम उनके प्रतीक हैं, ये स्वीकृत हो चुका है? क्या विनय दुबे ही उनके प्रतीक है जिनके, अब देखिए विनय दुबे के इनकाउंटर, सॉरी विकास दुबे, बिल्कुल विकास दुबे के इनकाउंटर पर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है। क्या एक जाति के भीतर से क्या ये आवाज आई कि हमें कम से कम एक अपराधी के साथ तो मत जोड़िए, हमारी जाति की पहचान को? नहीं आई। और वहीं दूसरी तरफ आप उसी उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी और तमाम लोगों के जिनको मुख्यमंत्री के आदेश पर ठोक दिए जाने की कवायद चल रही, वो लुजर कर देने की, वो जातियों को पूरी की पूरी जाति और पूरे समुदाय को किस तरह से प्रशांकित किया जा रहा है? एक पोस्टर लगा है इधर बीच, फर्क साफ है करके बीजेपी का एक प्रचार चल रहा है कि 17 के पहले वहां आतंकवादी घटनाएं होती थी और जो शख्स एक पेट्रोल बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है उसको बाकायदे कोशिश की गई कि वो मुसलमान नजर आए। तो ये जो काम चल रहा है इसमें यह विमर्श कि ब्राह्मण किस बात से नाराज है, क्या विकास दुबे के इनकाउंटर से नाराज है, क्या ब्राह्मण इस बात से नाराज है कि उनके मिनिस्टर कम बनाए गए, ठाकुरवाद ज्यादा हो गया, तो ये उनके घर का झगड़ा है आशुतोष जी कि ब्राह्मण नाराज है कि ठाकुर नाराज है? क्या इस देश में इस पे बहस नहीं होगी कि पिछड़े भी नाराज है कि नहीं, दलित नाराज है या नहीं, हाथरस के बाद महिलाएं नाराज है या नहीं, गरीब नाराज है या नहीं, कमजोर नाराज है या नहीं? ये विमर्श कौन लोग खड़ा कर रहे हैं? ये जैसे कार्तिकेय ने बताया ना रूठा हुआ बच्चा, मुझे याद आती है हमारे गांव की शादियां जहां फूफा नाराज हो जाते हैं तो फूफा नाराज होकर के बारातियों के खिलाफ नहीं जाते, वो घरातियों के ही खिलाफ रहते हैं कि मुझे इज्जत कम क्यों मिल रही है, वो बाराती के पक्ष में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नाराज हो रहे हैं लोग और जो कल को खुश हो जाएंगे ये सारे वही लोग हैं, उन्हीं का आपसी विमर्श है। और अखिलेश यादव और तमाम लोगों को बचना चाहिए कि परशुराम के फरसे के साथ खड़े होने का वक्त तो नहीं है। बट डॉक्टर मैं कार्तिक बत्रा के पास जाऊंगा लेकिन उसके पहले लक्ष्मण यादव जी के पास आना चाहता हूं। लक्ष्मण जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये बात जो उत्तर प्रदेश में 42-43% जो ओबीसी हैं, जो SC ST तमगा है, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब, जिस तरह अगर हम उर्मिलेश जी को कोट करें तो एक ब्राह्मणवाद को स्थापित करने की बात होगी और उसको मजबूत करने की बात होगी? निश्चित तौर पर ये एक शोध का विषय हो सकता है कि जो दलित पिछड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि आदिवासी जनसंख्या बहुत कम है, तो उनके वोट देने का पैटर्न क्या है, ये एक शोध का विषय हो सकता है। लेकिन पिछले 3 दशकों में खासकर जब मंडल आंदोलन का दौर रहा, 90 का दशक हुआ और माननीय कांशी राम से लेकर के मुलायम सिंह यादव का या चौधरी चरण सिंह की विरासत जो आगे लोकदल से होती हुई मुलायम सिंह यादव तक पहुंचती है, तो वो कम से कम चाहे चौधरी चरण सिंह की विरासत के नाते रहा हो या मुलायम सिंह यादव की अपनी समझ रही हो, उन्होंने किसान और नौजवान की राजनीति की है, मूलतः वो उनके नारों में भी किसान और नौजवान शब्द रहा करता था। उसके साथ साथ मानवीय कांशीराम ने सबकी 85% भोजनों की बात की, लेकिन जब दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक राजनीतिक प्रतियोगिता के तहत 95 के बाद से जब गठबंधन टूटता है उसके बाद से, तो दोनों ने ये रास्ता अख्तियार किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं कि जब तक कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है। वे अपर कास्ट की ये दो जातियां ब्राह्मण और ठाकुर, ये एक दूसरे की प्रतिक्रिया में कभी सपा तो कभी बसपा के आसपास रहते हैं। बाकी उर्मिला जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए अब जो जातिवाद है ना, या अब वो वर्चस्व की लड़ाई है, वो यह नहीं देखती, वो अब बड़ी वाली कुर्सी पर किसे बिठाया जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर एक दल बिठाया गया और जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताई थी। लेकिन क्या उसके बाद हाथ रस या दलितों पर अत्याचार रुक गया? असल में अब वो एक हेजमनी जो है, कल्चरल हेजमनी, सोशल हेजमनी, उसके लिए जरूरी नहीं है कि अब वो अपने मुख्यमंत्री पद को देख करके वोट दे कि हमारा कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनेगा या भाजपा बनेगा। दूसरी बात जो आपके सवाल का दूसरा पक्ष है कि इसका फायदा क्या होगा, मुझे लगता है अखिलेश यादव शायद इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि जो शायद अमरीश जी ने बताया, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और एक एक विमर्श जो चलता है उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, कि ब्राह्मण भले वोट न दे, ब्राह्मण माहौल बनाता है, अगर वो खामोश भी रह गया तो शायद हमारे पक्ष में माहौल बन जाएगा। ये सारे विमर्श मैं फिर से अपनी पिछली टिप्पणी में जोड़ रहा हूं, ये सारी बातें कि आप किसने इस पूरे देश में बनाया कि माहौल बनाने वाले सारे ब्राह्मण हैं। यहीं से फिर आशुतोष जी आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है। अगर गांव में 100 घर हैं, 100 घरों में 3 घर ब्राह्मण हैं, तो भी ब्राह्मण की सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्व की जो स्थिति है पद सोपान में, वह स्थिति यह कहती है कि वो राय देते हैं, वो चाय की दुकान से लेकर के गलियारों में बैठ करके राय बनाते हैं और उसका प्रभाव इन जातियों पर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की 3 दशक की राजनीति ने इस सामाजिक पक्षोपान को थोड़ा अस्त व्यस्त किया है। अब पिछड़ी जातियां 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को नहीं भूल रही है, इसीलिए अखिलेश यादव को नवंबर में संसद में आकर के कहना पड़ा, और अब वो चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, हम दलितों पिछड़ों के द्वारा इंकलाब लाने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो चूंकि एक राजनीतिक दल है, उनको किसी भी तरह से ये समझ में आ रहा है कि हमें सत्ता चाहिए, तो परशुराम वाला जो कटार है वो भी हाथ ले रहे हैं, जिससे दो चीजें एक साथ साथ ले रहे हैं कि शायद ब्राह्मण वो जो माहौल बनाता है वो बना ले, और दूसरा वो कटार जो 21 बार धरती को छत्रीविहीन कर देने वाला वो सब खुश कर ले। तो मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक चाल है। इसमें दलित पिछड़ी जातियां कम से कम अभी उस तरह से तो नहीं है जैसी 3 दशक पहले थी, चीजें बदली हैं, अब ये लोग भी अपनी हिस्सेदारी, अपने साथ हुए अन्याय और तमाम सवालों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे, ऐसी मेरी राय। लक्ष्मण जी बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहिएगा। मैं मुझे बात कहने में आशुतोष जी जो आपकी टिप्पणी थी, मैं उस पर काउंटर क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव को एबीवाई की यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी कहा गया तो अखिलेश यादव ने नारा दिया कि महिला और युवा की पार्टी है, वो नरेशन नहीं बन पाया। मायावती की पार्टी को कहा गया कि वो दलितों की पार्टी है, लेकिन उन्होंने किस तरह से सबको सर्वजन बहुजन से सर्वजन किया, वो नरेशन नहीं बन पाया। मेरा सवाल ये है कि क्या ब्राह्मणों की बात करके, परशुराम की बात करके, मंदिर बनवाने की बात करके, क्या वाकई अखिलेश यादव की छवि बदल जाएगी उन लोगों की नजर में जिनकी नजर में उनकी छवि कैद है मुस्लिम और यादव की, वो कभी नहीं बदलने वाली, मेरी राय ये है। और इसलिए मैं भी वहां सहमत होता हूँ जहां उर्मिला जी कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उर्मिला जी वरिष्ठ है, उनका अनुभव है। मुझे लग रहा है कि सबसे मजबूत चुनौती समाजवादी पार्टी दे रही है, इससे और अधिक मजबूत चुनौती दे सकती है अगर वो इसमें रोजगार बेरोजगारी के सवाल को और प्लस जाति जनगणना के साथ साथ दलित और पिछड़ी उन जातियों को अपने खेमे में कामयाबी के साथ ले आ सके जो बीजेपी की तरफ चले गए थे, तब वो चुनाव जीत सकते हैं, वरना छवियों के खेल में वो शिकस्त आ जाएंगे।